आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के चंदावली गांव में आज भगवत गीता का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम चंदावली की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाल के सप्ताह की आरंभ की। उसी के साथ साथ पार्षद उमा सैनी और योगेंद्र सैनी के साथ गांव के सभी लोग उपस्थित रहे। वहीं उमा सैनी ने बताया, यह सप्ताह भगवत गीता 4 तारीख से 11 तारीख तक प्रातः 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। आज से स्टार्ट हो रही है। ये चंदावली गांव के प्राचीन शिव सीतारा मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। आज इसका पहला दिन था, तो उसके उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। किसने निकाली है कलश यात्रा? ये कलश यात्रा गांव के लोगों ने मिलकर निकाली है। मेनली जो संयोजक थे वो श्रीमती उमा सैनी जी पार्षद और साथ में और कितने दिन तक चलेगी? एक हफ्ता तक चलेगी। और क्या उपलक्ष्य में, मतलब किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये है श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ, और ये आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हो रहा है और परिवार की खुशी की समृद्धि शांति के लिए। जो ये खरीदेगी सब तक कितने दिन तक चलेगी और कब से? श्रीमद् भागवत का सात दिवसीय। इस धर्म में स्वयं परमात्मा विराजमान है और सनातन धर्म ही भागवत का दूसरा रूप है। और चलिए, अब आने दो दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली है, उसका समय बता दीजिए किस समय तक रहेगा और कौन कौन सा समय और क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन? जन्माष्टमी 7 तारीख को पड़ रही है और हमारे कर्तम करता तारणहार का जन्म दिवस होता है, जन्मोत्सव होगा, उसमें रात्रि तक हमारा ये पर्व चलता है। और जब चंद्रमा उदय हो जाता है रात्रि को, तब हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसमें पूरा भारतवर्ष ही डूबा, पूरा संसार डूबा। व्रत और उपवास ये तो पर्यायवाची शब्द है। व्रत का मतलब संकल्प कर ले, दूसरा नाम संकल्प कर लेना, और तीसरा व्रत, व्रत माने हमारा एक धर्म जो सनातन धर्म है उसमें व्रत का संकल्प अर्थ है। संकल्प करने का, कोई भी काम करे तो संकल्प लेके करो, उसे पूर्ण की। जन्माष्टमी के दिन जैसे कहते हैं कि हम व्रत रख लेते हैं, उस दिन पूरा दिन हम व्रत रखते हैं, कुछ लोग बीच में कुछ खा लेते हैं, क्या ये उचित है खाना या संकल्प लेने के लिए कौन कौन से नियम? संकल्प होता है हमारे 12 बजे तक का। अच्छा, जब तक हमारे ठाकुर जी का प्रागट्य नहीं होता व्रत रखा जाता है, कि व्रत भजन कीर्तन होते हैं, मंत्र जाप होता है। और अभी जन्माष्टमी आने वाली है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? लोग सुना, कब से कब तक चलेगी ये? 4 से 11 यार। समय क्या होगा इसका चलने का? 12 से 4। कुछ कहना चाहेंगे और लोगों से कि सप्ताह में के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सबने अपना प्रोत्साहन दिया। यात्रा हुई है और हमने खूब प्यार से कलश यात्रा गाजे बाजे से खूब निकालिए धूमधाम से। अपने परिवार के लिए शांति चाहिए, अपनी गांव बस्ती की शांति चाहिए और अपने भैया श्री कृष्णा। और कब से कब तक चलेगी भैया ये? 4 से 11 तक। अच्छा अच्छा और किस समय से किस समय तक चलेगी ये? चलेगी 12 बजे।